हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। क्यों ना? क्योंकि ये जो वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस, ये एक यूट्यूब का आपका जो चैनल, ये चैनल नहीं है, ये हम सबका एक फैमिली है जिसके सदस्य हैं हम आप सभी। कोई सबको बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू इस पे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने पे। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर। हम विश्वास नहीं कर सकते थे कि आप सभी कोई हमें इतना ज्यादा लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को और आपको आगे बढ़ाते जाना है। हर वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर से जोड़िए, उसको शेयर कीजिए, बच्चों के पास और भेजिए, और साथ मिल के आगे बढ़ना है। फिजिक्स का सारा सॉल्यूशन, सारा डाउट, सारा डर को मैं खत्म कर दूंगा आपका। ये मेरा वादा है आपसे, सारा डर खत्म हो जाएगा यहाँ पर आपका फिजिक्स का। तो चलिए एक बार फिर से, मैं यादव लाल और ये आपका वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस का जो चैनल है, स्टार्ट करते हैं आज कुछ नया। सबसे पहली बात, गौर करें होंगे आप लोग, आज ये पूरा व्हाइट बोर्ड बिल्कुल खाली है। आज कुछ नया होने वाला है, कुछ बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है। आप बस इंटरेस्टेड रहिए, जुड़े हुए रहिए, वीडियो स्किप करने का गलती नहीं करना है किसी को भी, पूरा देखना है। आज बहुत सारा नॉलेजेबल चीज हम लोग सीखने वाले हैं, तो बस आप ध्यान से थोड़ा सुनिए। और मैं आपको एक छोटा मोटा भी टास्क दे रहा हूँ, अभी तुरंत आपको करना है। अभी क्या करना है, अब आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कलम अपने सामने लाइए, ठीक है? यदि आप ऑलरेडी लेके बैठे हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक्चुअली आज हम लोग सीखेंगे, एकदम लाइव रूप से सीखेंगे, जैसे कि हम लोग क्लासरूम में सीखते हैं। अभी आप लिखेंगे और लिखते के साथ साथ हम लोग सीखेंगे और फिर एनालिसिस भी करेंगे कि आज के ये पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। तो सबसे पहले आज, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा, रेडिएशन और डी ब्रॉगली की कहानी, वाइल्ड सर की जुबानी, एक बार और, रेडिएशन और डी ब्रॉगली की कहानी, वाइल्ड सर की जुबानी, मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये सारा राज आपके सामने अभी खोलने वाला हूँ। व्हाट इज रेडिएशन, सबसे पहला टॉपिक है आज का, व्हाट इज रेडिएशन। तो आइए बात करते हैं। आप इसको सबसे पहले कॉपी में लिखिए, लिखिए सभी को, और आदेश का पालन कीजिएगा, लिखिएगा तभी, ठीक है? मजाक में नहीं रहना है कुछ भी, लिखिए इसको, रेडिएशन। देखिए हमने यहां लिखा रेडिएशन, देखिए रेडिएशन, इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण, विकिरण, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। वैसे आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत 11th क्लास में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे जाता है हीट एक जगह से दूसरे जगह तक। तो आप लोग याद कीजिए, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंडक्शन, गौर कीजिएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि रेडिएशन क्या होता है, आपको हम थोड़ा सा याद करवा देते हैं, ठीक है? वो 9th-10th क्लास का जो सिलेबस का लेवल होता है, या 11th क्लास के आधार पे, कि रेडिएशन एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी ट्रांसमिशन का जिसमें मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। ये थोड़ा नॉर्मल डेफिनेशन हुआ, तो मैं अभी आपको बताऊंगा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जैसे कि अभी आप क्लास 12th में हैं या 11th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण किसको कहते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ, इसको आपको लिखते जाना है साथ साथ, इसीलिए हम इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं, आपको लिखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं, आप कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, हम लोग सीख रहे हैं, सीखना है हम लोग को और साथ साथ लिखना भी है कि द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स थ्रू ए स्पेस और मीडियम। एक बार और सुनिएगा ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स थ्रू अ स्पेस और मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? है क्या रेडिएशन? रेडिएशन एक प्रोसेस है,
एक प्रक्रिया है, एक फिजिकल फेनोमिना है, एक घटना है, जिसमें क्या होता है ना, कोई रेडियोएक्टिव जैसे सब्सटेंस है या एलिमेंट है, ठीक है, या आप कह सकते हैं जैसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें इमिशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी बाहर निकलता है, लेकिन वो एनर्जी दो फॉर्म में बाहर निकलता है, कभी कभी, या वो एनर्जी जो बिहेव करता है, मतलब जो इमिशन ऑफ एनर्जी होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। मतलब रेडिएशन से जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, वो दो फॉर्म में निकलता है। आप गौर कीजिएगा बोर्ड पे, आप भी चाहें तो ऐसा अपना कॉपी में लिख सकते हैं, एक फॉर्म हो जाएगा पार्टिकल और एक फॉर्म हो जाएगा वेव। मतलब जैसे सपोज कीजिए ये कोई आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मान लीजिए ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इससे आपको रेडिएशन बाहर निकलेगा, इमिशन बाहर निकलना, ठीक है, और ये जो बाहर निकलेगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, संभावित जितने भी दिशा होंगे सब में, तो जैसे इससे आपका क्या होगा, इससे आपका एनर्जी बाहर निकल रहा है और वो एनर्जी दो फॉर्म में बाहर आएगा। देखिए आप बताइए ये जो फॉर्म में बाहर निकल रहा है, सही बच्चे ध्यान से, हम ये नहीं बताएंगे आपको, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो आप बताइए, ये पार्टिकल है कि वेव है, ठीक है, ये आपका पार्टिकल है कि वेव है, हम आपको समझ दे रहे हैं, आप सोचिए, समझिए, जैसे मान लीजिए ये एनर्जी बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो एनर्जी बाहर निकल रहा है ये पार्टिकल है कि वेव है, ये पार्टिकल है, और मान लीजिए यहां से एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है कुछ इस तरीके से, ये फिगर आप बहुत बार देख चुके होंगे। तो ये जो एनर्जी बाहर निकल रहा है, ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, देन दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी, मान लीजिए कोई स्पेस है, ठीक है, और कोई मीडियम है, ठीक है, जब एनर्जी बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, एनर्जी इमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स। मतलब किसी सब्सटेंस से एनर्जी निकल रहा है, लेकिन दो तरीके से एनर्जी निकल रहा है, एक वेव के फॉर्म में निकल रहा है, एक पार्टिकल के फॉर्म में निकल रहा है, देन दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आवर रेडिएशन। हम आशा करते हैं कि आप जरूर समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो लास्ट बार एक लाइन बता देते हैं, ये पक्का समझ जाइएगा, एनर्जी का बाहर निकलना दो फॉर्म में बाहर निकलना, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड, दो फॉर्म में, कौन कौन फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में और वेव फॉर्म में। आप साथ साथ रिपीट करते जाइए, वीडियो देखते हुए साथ साथ रिपीट करते जाइए आप, ठीक है, आप अपने मोबाइल में जब देख रहे होंगे तो इसको रिपीट करते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है, कि यहां से जो आपको एनर्जी बाहर निकल रहा है वो एनर्जी दो फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। जैसे मान लीजिए ठीक है, कि हम एक तरीके से ऐसा जानिए कि जैसे हम लोग का बॉडी, सपोज कीजिए हम लोग को भी एनर्जी लगता है बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे शरीर से दो तरीके से एनर्जी निकल रहा है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, तो ये जो मेरे मुंह से साउंड एनर्जी निकल रहा है, और मान लीजिए हम अपने हाथ को ऐसे करके ये कर रहे हैं, इससे भी आपको एनर्जी, हमको हाथ को इधर उधर करने में एनर्जी लग, अपने से कहां हो जा रहा है, ऐसे इसको इधर करना पड़ रहा है, इसको इधर करना पड़ रहा है, इवन इफ, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन इफ हम बोर्ड पे लिखते हैं तो हमको एनर्जी लग रहा है, आप कॉपी में भी लिख रहे हैं आपको भी एनर्जी लग रहा है, तो ये एक तरीके से कहिए कि ये भी रेडिएशन है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कैसे रेडिएशन है, कि हम बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं, तो जैसे हम ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये लिखते टाइम मेरे हाथ से एनर्जी लग रहा है और हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अभी मेरा एनर्जी दो तरीके से इमिशन हो रहा है, अपने हाथ के थ्रू जैसे यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी एनर्जी लग रहा है, अपने मुंह से जैसे बोल रहे हैं तो यहाँ भी एनर्जी का इमिशन हो रहा है, तो उसी तरह रेडिएशन भी क्या, रेडिएशन एक प्रोसेस है, मतलब कहने का ऐसे समझिए कि रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, काफी ध्यान से समझिए, फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए, आपको समय समय पर नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस दो या तीन वीडियोस के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स इससे बच्चों एक तरीके से डर जैसा, न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते हुए बहुत बच्चों एक तरीके से डर हो जाता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ थ्योरी से काफी ज्यादा आसान होता है न्यूमेरिकल्स,
न्यूमेरिकल्स काफी आसान चीज है, थ्योरी से भी आप बोलिए। इसको मैं बोलूंगा ना, इसको मैं प्रूफ करूंगा, बस आप दो वीडियो का वेट कीजिए या एक दो वीडियो का। जस्ट वो वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। ऐसे कोई स्टूडेंट्स जो नीट का सपना रखते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं या जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, जिन्हें मेंस क्लियर करना है या एडवांस क्लियर करना है, एनडीए एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत स्पेशल क्लास। देखिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा तो वहां पे आपको थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सब में न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और न्यूमेरिकल्स से बहुत बच्चों ने अजीब तरीके का डर हो जाता है यार, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सुन के एकदम हालत खराब, बनेगा नहीं बनेगा, डर नहीं है, बहुत आसान है। आप बस वेट करिए, मैं आऊंगा, ठीक है। हालांकि चैनल को बार बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं फुल पोटेंशियल के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका लाइक ही हमको स्ट्रेंथ देता है कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ। आप लाइक कीजिएगा तब हमको पता चलेगा हाँ कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ व्यू नहीं करना है, लाइक करना है और शेयर करके दूसरे के पास भी पहुंचाइए इसको, दूसरों के पास भी पहुंचाइए, ठीक है। उनको भी पढ़ने दीजिए, उनको भी जानने दीजिए कि हाँ ऐसा कोई है जो फिजिक्स को इतना इजीली वे में एकदम दिमाग में एकदम एक बार में फिट बैठ जाए, ऐसे भी कोई पढ़ा सकता है। चैनल में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी को इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है, ठीक है। तो आइए आज का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मैटर वेव। मैटर वेव ये अगला टॉपिक है। इसको पहले मैं आपको अंग्रेजी में बताना चाहूंगा, इंग्लिश में, कि द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स और मूविंग मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। सुनने में कितना आसान है, द वेव एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हो, द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैटर वेव। मूविंग पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है और उसके साथ साथ कोई वेव एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, तो उसी वेव को कहेंगे मैटर वेव। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन आपको इस बात का प्रूफ है। इस बात को सबसे पहले 1924 ईस्वी में फ्रांस के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, फ्रेंच साइंटिस्ट प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रोगली, नाम कितना बड़ा है, प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रोगली, उन्होंने बताया था कि यदि कोई पार्टिकल मान लीजिए कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है, ये बस आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जैसा है, कोई ऐसे मैटर वेव दिखता है ऐसे नहीं है कि, ठीक है। तो यदि कोई पार्टिकल मान लीजिए ऐसे करके इधर मोशन कर रहा है तो ऐसा देखा गया था कि इसके साथ साथ एक वेव भी जुड़ा हुआ होता है और ये जो वेव आया इसी वेव को कहा जाता है मैटर वेव। यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल के साथ साथ एक वेव एसोसिएट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है और उसी वेव को कहा जाता है मैटर वेव। इस बात को बताए थे लुइस विक्टर डी ब्रोगली ने इस बात को बताए थे। तो मेरे कहने का मतलब, देखिए साइंस प्रूफ पे चलता है मुंह पे नहीं, साइंस प्रूफ पे चलता है मुंह पे नहीं, ठीक है। साइंस एक तरीके से कोर्ट है, अदालत सबूत मांगती है और साइंस भी। तो उन्होंने सिर्फ बता दिया था कि हाँ ऐसा होता है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ एक वेव जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। लेकिन इस बात को सबसे पहले प्रूफ किए थे जार्मर एंड डेविसन। एक बार और कान लगा सुनिएगा, जार्मर एंड डेविसन दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखा दिया एक्सपेरिमेंटली, हाँ ऐसा होता है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके साथ साथ एक वेव एसोसिएट होता है। वेव का उन्होंने वेवलेंथ भी बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में, और मैं इस पे एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं, आपको जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा बता देने वाला हूं। काफी नॉलेजेबल है फिजिक्स, जैसा कि अभी आप समझ रहे हैं, इतना आसानी से आपको अभी सब कुछ समझ में आ जा रहा होगा, हमको आशा है, बिकॉज ये आपका जो चैनल पे लाइक है ये बताता है। तो मैटर वेव, व्हाट इज मैटर वेव, कि द वेव एसोसिएटेड विथ अ मूविंग पार्टिकल और मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ जो भी लिख रहा हूँ आप लोग भी अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है, पढ़ना है सबको। चलिए तो आइए, एक बहुत बड़ा नाम लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पूरा नाम था साइंटिस्ट का लुइस विक्टर डी ब्रोगली। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, डी ब्रोगली लिखा कैसे जाता है, हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत कोई गलत लिख देते हैं, जैसे बहुत कोई होता है कि ऐसे लिख देते हैं डी ब्रोगली,
ये बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का, ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है। मैं आपको एकदम सही तरीका बताता हूँ कि डी ब्रोगली लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले देखिए ऐसे, ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो डी और ब्रोगली के लिए ऐसे बी आर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको दो डॉट देने हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और देखिए ये है सही तरीका डी ब्रोगली लिखने का। अब बोलिएगा सर यहां पर ये दो बिंदु क्यों दे, वैसे तो हम लोग जनरली इसको देखते हैं, इसका महत्व है, इसका महत्व ये, फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे, और इस ओ के ऊपर जो दो आपको डॉट दिख रहा है ना, तो इसका मेन आपको रीजन है कि जब इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो थोड़ा सा खींच के बोला जाता है। मैं अभी इसको उच्चारण करूंगा, और आप लोग जो भी कोई इसको वीडियो देख रहे होंगे घर पे बैठ के, तो आप लोग भी इसको एक बार उच्चारण कीजिएगा। डी ब्रोगली नहीं बोला जाता है, बोला जाता है डी ब्रोगली, ओ को थोड़ा खींचा जाता है। आप एक दो बार ट्राई कीजिए, डी ब्रोगली या डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, ओ के ऊपर थोड़ा सा इम्पोजिशन किया जाता है। आप एक तरह से डी ब्रोगली ऐसे करके थोड़ा खींचा जाता है, थोड़ा लंबा बोला जाता है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ये नाम था साइंटिस्ट का, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। आप एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। उन्होंने क्या कहा था डी ब्रोगली ने, तो उन्होंने कहा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का सबसे मेन लाइन को उन्होंने कहा था कि इफ रेडिएशन एग्जिबिट्स ड्यूअल कैरेक्टर। गौर कीजिएगा इधर देखिए, आप लोग यहां लिखा हुआ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। उन्होंने क्या कहा था कि इफ रेडिएशन एग्जिबिट्स ड्यूअल कैरेक्टर देन मूविंग मटेरियल विल आल्सो हैव ड्यूअल कैरेक्टर। ज्यादा इधर उधर नहीं, डायरेक्ट पॉइंट की बात बताते हैं आपको आपके लैंग्वेज में, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगला 25 सेकंड के अंदर ये हम आपको पक्का आपके दिमाग में घुसा देने वाले, तो सुनिएगा एकदम ध्यान से। यदि लाइट का दो बिहेवियर होता है, पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर, गौर कीजिएगा एक बार और, ठीक है, यदि लाइट का दो बिहेवियर होता है, पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर, तो इलेक्ट्रॉन का भी दो बिहेवियर होगा, पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, यदि लाइट का दो बिहेवियर होगा, पार्टिकल बिहेवियर एंड वेव बिहेवियर, तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसका भी दो बिहेवियर होगा, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड, और वो दो बिहेवियर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डी ब्रोगली का क्या कहना था, उन्होंने क्या बताना चाहा दुनिया को, उनका क्या परिकल्पना था, तो वो परिकल्पना ये है कि यदि आप, मतलब एक तरीके से समझिए कि लाइट और इलेक्ट्रॉन के बारे में, यदि आपके पास दो बिहेवियर है तो मेरे पास भी दो बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड, तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा था कि यदि लाइट दो बिहेवियर को शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी दो बिहेवियर को शो करेगा, यदि लाइट दो तरीके से चल सकता है तो इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से चल सकता है, यदि लाइट दो तरीके से मोशन कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से मोशन कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। सीखिए, समझिए, नया नॉलेज अपने दिमाग के अंदर एडजस्ट कीजिए, सीखिए, अपने नॉलेज की डिक्शनरी को बढ़ाइए, आप सीखने में क्या जाता है, ठीक है, नॉलेज के लिए सीखिए कि डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था, तो उन्होंने बताया था कि यदि लाइट दो तरीके से बिहेव करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से बिहेव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके लिए उन्होंने एजम्पशंस माना था, और वो एजम्पशंस था कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशन, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, उन्होंने ऐसा एजम्पशन, मतलब अवधारणा उन्होंने माना था कि ये पूरा दुनिया इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशन, एंड दूसरा उनका था मतलब एजम्पशन की नेचर फॉलोज द सिमेट्री, सो पार्टिकल्स एंड रेडिएशन आर सिमेट्रिकल, नेचर फॉलोज द सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है समरूपता,
ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा, ये हाथ इस हाथ का सिमेट्री है, ये पैर इस पैर का सिमेट्री है, एक आंख दूसरे आंख का सिमेट्री है, एक कान दूसरे कान का सिमेट्री है, तो उसी तरीके से पार्टिकल रेडिएशन का सिमेट्री है, रेडिएशन पार्टिकल का सिमेट्री है। देन वो ये उनका एजम्पशन था, उदाहरण था। और अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ जो एग्जाम में काफी बार आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सभी बच्चे अपने पेन पकड़ लेंगे और इसको लिखना चालू करेंगे, डी ब्रॉगली रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में काफी आता है, और ये है फिजिक्स का डेरिवेशन। फिजिक्स के सारे डर को मैं आपका खत्म कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बहुत आसान है फिजिक्स, बस मिले नहीं थे हम और आप, इस वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं हम और आप, ठीक है, बस आप, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप ऐसा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, कि चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आने चाहिए, और जाहिर सी बात है यदि आपको पसंद आ रहा है, दिल से एक बार पूछिए, यदि पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली रिलेशन लिखने का तरीका बच्चों, डी ब्रॉगली, मैं बार बार कह रहा हूं कि डी ब्रॉगली ये दोनों जरूर दीजिएगा, ये सही लिखने का तरीका है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और दो नाम है, आप दोनों में से कोई भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली रिलेशन। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, इनके अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार इनका स्टेटमेंट क्या था, कहा क्या था इन्होंने, ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिख देता हूं, इन्होंने कहा था कि द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है जिसका मोमेंटम यदि पी है तो उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मूला है, इसी हो रहा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली रिलेशन, प्रूफ करके दिखाना इस फॉर्मूला को हम लोग को, ठीक है, इसी को बोला, इसको लिखिए कॉपी में आप लोग सभी को, ठीक है, स्किप करने का तो गलती घर में मत करिएगा, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग आपको शायद अभी तक आपको भी मिले होंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाट इज डी ब्रॉगली रिलेशन, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी इज गिवन बाय लैम्डा बराबर एच बाय पी, ऐसे समझे हिंदी में, ठीक है, कि यदि कोई पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्टिकल, देखिए इधर देखिए ध्यान से देखिएगा सभी को, मान लीजिए एक पार्टिकल है, मानिएगा ये पार्टिकल है, इसके पास मास है, मोशन करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, और यदि ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है और यदि इसका मोमेंटम है पी, पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है यदि इसका मोमेंटम है पी, तो इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा बराबर एच बाय पी। इन्होंने एक मदद किया था, एक फॉर्मूला बताने का प्रयास किया था हम लोग को, इस फॉर्मूला के बारे में देख सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा, सीखिएगा, याद कीजिए जरा हम लोग के जो महान क्रांतिकारी थे आजादी में जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था, श्री सुभाष चंद्र बोस जी, उनका एक बहुत ही फेमस लाइन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, शायद आप लोगों को याद हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ही समझे यहाँ पर, तुम मुझे मोमेंटम दो मैं तुम्हें वेवलेंथ दूंगा, कैसे, ऐसे, तुम मुझे मोमेंटम दो मैं तुम्हें वेवलेंथ दूंगा, कैसे, मैं इस फॉर्मूला के आधार पर, ये फॉर्मूला आया कहां से, इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं, तो इसका प्रूफ जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ, तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू, दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, यहां पर आपका E का मतलब है एनर्जी, H का मतलब है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एक बार और हम रिपीट करना चाहेंगे, E is equal to h nu, ये क्या है, ना इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर h nu, तो यहाँ पर आपको हो गया E का मतलब एनर्जी, h का मतलब आपका हो जाएगा क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट और nu का मतलब फ्रीक्वेंसी, और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है E बराबर mc स्क्वायर, सबको पता है E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, यहाँ पर E जो है वो आपका क्या है, ना E है वो आपका एनर्जी है, m is the mass of particle and c is the speed of light,
तो आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एकदम गौर से देखिए तो आपको ऐसा मिलेगा कि दोनों का LHS पार्ट इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम, कॉपी में आप लोग लिखते जाइएगा तभी सीखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखो कैसे लिखे, देखो E बराबर एच न्यू और E बराबर एम सी स्क्वायर, तो इधर वाला इक्वल है तो इधर वाला इक्वल होगा, तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, देखो एच न्यू के जगह बैठा दो सी बाय लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर। एक बार और बच्चों ध्यान देंगे, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर और हम लोग पढ़े हैं न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, तो एच सी, देखो एच के जगह एच और यहाँ न्यू था तो न्यू के जगह सी बाय लैम्डा बराबर क्या एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए एक सी और ये एक सी कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग जानेंगे कि एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी। कैसे हुआ, इधर देखो सी है इधर सी स्क्वायर है, एक एक कट जाएगा तो एच बाय लैम्डा बराबर एम सी। थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एच बाय एम सी। देखो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, थोड़ा सजा के लिखा लैम्डा बराबर एच बाय एम सी। दिस इज आवर इक्वेशन थ्री। ठीक है, और हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग को पता है दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर डी ब्रॉगली मैटर वेव, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर डी ब्रॉगली मैटर वेव। ठीक है, तो जहां हम लोग का सी है ना वहां लिख देंगे सी बराबर वी, एंड सी बराबर वी बराबर क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देखो बाबू लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम और जहां c है वहां लिख दिए v, और तुम लोगों को तो पता ही है ये जो mv है सिंस mv इज इक्वल टू क्या p, p मतलब मोमेंटम और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं संवेग, और संवेग का जो सूत्र होता है ना वो होता है द्रव्यमान गुना क्या वेलोसिटी का मतलब क्या होता है वेग। ठीक है, तो mv की जगह हम लोग लिख सकते हैं p, तो देखो लैम्डा की जगह लैम्डा, h की जगह h और p के mv की जगह p, प्रूव्ड, ये रहा प्रूव्ड। ईमानदारी से कहिए बताइए समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा। और एक बार और बता देना चाहता हूं मैं आपको, एकदम बिल्कुल शुरू से सीधे से बता देना चाहता हूं, स्टेटमेंट के अनुसार यदि कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है और उसका मोमेंटम यदि पी है तो हम लोग उसका वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, इसे हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली रेशन। ब्रॉगली का उच्चारण होगा ब्रॉगली। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे इसको हम लोग सत्यापित कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और E बराबर एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। तो देखो क्या लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू एल एच एस पार्ट आपका इक्वल है तो आर एच एस पार्ट भी इक्वल होगा, तो लिख दिए इधर है इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गया, एच न्यू बराबर क्या एम सी स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा, तो देखो एच के जगह लिखे एच और यहाँ देखो न्यू लिखा हुआ है न्यू, और न्यू की जगह होता है सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, तो सी और सी कट जाएगा एच बाय लैम्डा बराबर एम सी, तो लैम्डा बराबर एच बाय एम सी। इस सी के जगह आपको बैठा देना है भी, और बचपन से पढ़ते आए हैं एम बी फॉर्मूला होता है मोमेंटम का पी का, तो जहां लिखा हुआ है लैम्डा बराबर एच बाय एम बी वहां लिख देंगे लैम्डा बराबर एच बाय पी। दैट्स ऑल, पक्का समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करेंगे आप इस वीडियो को, आप जरूर लाइक करेंगे यदि आपको ये समझ में आया होगा तो। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था जहां पे लैम्डा क्या है ना वेवलेंथ ऑफ लाइट, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम, mv का मतलब तो आपको पता ही है m is the mass of the particle, v is the velocity of the particle। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हम लोग का आज का प्रूफ था, और अगले क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगला वीडियो जो आएगा, ठीक है, और वो वीडियो में हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एंड पोटेंशियल डिफरेंस v। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्या पता है कि वेवलेंथ लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में इन दोनों के रिलेशन से फॉर्मूला आता है। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लाइन
जो मैंने आपको लिख दिया, आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। और अब तो जाने का समय आ गया है, वीडियो ऑलमोस्टली हो गया है। जाने से पहले याद करवाना चाहते हैं आपको, आपका चैनल है, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके लाइक्स मुझे स्ट्रेंथ देते हैं कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो वीडियो जब इतना बड़ा देखे तो बस एक लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसको जरूर से जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, और मोटिवेटेड रहिए हमेशा, ठीक है, एक लक्ष्य निर्धारित करिए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे मेहनत दीजिए, मैं तुम्हें सफलता का द्वार दिखाऊंगा, ठीक है। और बस यही बोलना चाहेंगे कि फिर से सभी कोई को अपना ध्यान रखना है, घर में रहना है, ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड दैट्स ऑल ऑफ टुडे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू अगेन, ठीक है, बाय।